हंसी तो बहुत आती यार, तुम्हारी नादानी कहें या तुम्हारी बेवकूफी कहें या क्या कहें यार, कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, कहने से थोड़ा सा कम कर दो। दो अक्सर स्कूल में जाकर पढ़ लिया करो, पूरे दिन ये तुम गोबर मूत करते रहोगे ना तो फिर ऐसी तुम्हारी औलाद होगी, वो तंग पाएगी, तुम्हारा पिताजी तो चला जाएगा, जिंदगी भर तो ये रहेगा नहीं, लेकिन जैसे तुम्हारा बाप जाएगा तुम्हारा हालत खराब हो जाएगी, और तो सबसे ज्यादा हालत खराब होगी तुम्हारे बच्चों की। तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को, ये बताओ, कुछ सीख रहे हैं तुम्हारे बच्चे, क्या सीख रहे हैं? गोबर खाना, मूत पीना, पूरे दिन गाली खाना, गाली देना, बस उल जुलूल है। ये जो पूछ रहे थे ना 70 साल में क्या हुआ था, जो ये आविष्कार हो रहे ना, ये हुए थे। और हाँ, लेकिन पिछले 9 साल में क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात है, पिछले 9 साल में क्या हो रहा है। आज आपको ना एक चीज की गारंटी दे रहे हैं हम, एक चीज की फुल गारंटी है। वीडियो 5 मिनट का भी मुश्किल से हो पाएगा, 5 मिनट का तो हो भी नहीं पाएगा, इसलिए पहले ही बता देते हैं। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, वीडियो को इतना शेयर कर देना आप सभी के पास पहुंच जाए। सबसे पहले बताएं अनभक्तों, तुम्हारे को बताएं तुम्हारी ये नौटंकी कहां से शुरू होती है, नौटंकी कैसे शुरू होती है, ये देखो ये तुम्हारी नौटंकी शुरू। So we are on set with Carl Jacobs and we're going to go to the moon, but this doesn't look like the moon, so we're going to change that. We're going to add the landscape. We're going to add the earth. And we're going to add our rocket ship home. Yeah. Dude, wait, let me try that one. जो तुम्हारी नोटंकी तुम करते हो ना, जो स्टूडियो में जाकर तुम नोटंकी करते हो, चांद पर पहुंच गए, प्लान पर पहुंच गए, तगड़ पर पहुंच गए, ऐसे चांद पर पहुंचते हो तुम, ऐसे चांद पर बस चांद भगत शुरू हो जाते हैं, ताली थाली दिया, मोमबत्ती टॉर्च जलाना फलाना जला दो, बस फूक दो, बांट दो, कर दो, हो गया काम, हो गया काम। और फिर गोदी मीडिया लग जाती है, बस चिल्लाने लग जाओ पापा 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 पापा, लोग समझ जाते हैं अपने तुम किसको पापा कहते हो, वो तुम्हारा पापा पापा, तुम पापा पापा का इतना गुणगान कर देते हो तुम यार, कई बार तो ना अपने पापा को भी भावुक कर देते हो तुम, कई बार अपने पापा को ही भावुक कर देते हो, पता है तुम्हारे को, तुम्हारी इस मेहनत को देख के जो तुम दिन रात गोबर खाते हो, तलवे चाटते हो, ये गंद मीडिया गोदी मीडिया कह लो जिसको, तुम इतनी मेहनत, इतनी ज्यादा मेहनत करते हो, तुम्हारी मेहनत को देख के ना अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ती है तुम्हारे पापा को, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, पता है तुम्हारे को अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस किसको कहते हैं, हैं? तुम्हारे को नहीं पता होगा, ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं तुम्हारे पापा, ऑस्कर अवार्ड के लिए, तुम डाउट मान रहे हो इस चीज में, ऑस्कर अवार्ड में नाम जा चुके हैं बावड़ो, और भारत रत्न तो बस मिलने ही वाला, भारत रत्न तो जैसे ही भारत में पहुंचेंगे, भारत रत्न तो उनकी जोड़ी में है, बाएं हाथ का खेल है भारत रत्न तो, देखना चाहते हो परफॉर्मेंस किसे कहते हैं, परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस जो होती है, परफॉर्मेंस ऐसी होती है। सैल्यूट आपके परिश्रम को, है कि नहीं, ऑस्कर अवार्ड क्या होता, अकदार ऑस्कर अवार्ड, बोस्कर अवार्ड, पोक्सर अवार्ड, जुनसी जितने अवार्ड बनते हैं दुनिया में, सारे अवार्ड दे दो भाई इनको, सारे अवार्ड दे दो, ऐसी परफॉर्मेंस कोई दे सकता है, दे सकता है क्या? तुम कितनी मेहनत करते हो, कितनी मेहनत से गोबर खाते हो, मूत पीते हो, फिर गुणगान करते हो पापा का, है तुम्हारे पापा भी भावुक हो गए, तुम्हारे पापा भी भावुक हो गए, इतनी ज़्यादा मेहनत मत किया करो, तुम्हारी इस मेहनत को देख के ना तुम्हारे पापा भावुक हो जाते हैं, फिर वो भावुक होकर बेचारे रोने लग जाते हैं, बस फिर क्या है, ये रोते हैं तो एक मोर टाइप इंसान है, मोर है ना ये, तो मोर है ये, मोर है ये, रोएगा सू टपकेंगे, फिर ये चूजे पैदा होंगे 2014 से जो पैदा होने लग रहे हैं, फिर चूजे पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुम तो पैदा भी वैसे ही होते हो ना वैसे पैदा। और तुम्हारे को बताएं असली शेर, असली टाइगर किसे कहते हैं, असली शेर किसे कहते हैं, दिखाएं क्या तुम्हारे को असली शेर कौन होता है, असली शेर होते हैं जैसे था सिद्धू मूसे वाला, सबूत के तौर पर अपने को पंजाब इंडिया जी आंदा जी, सो सिटीजनशिप तो इंडिया दी मिलूगी जी, नहीं कई बार कह देंगे ना पंजाब वक्रा है, तो मैं कि ताड़े कोई ओ जी बगावत भी नहीं है ना, नहीं बगावत नहीं, जिथे पंजाब दे हकां दी गल हो उथे बगावत भी करांगे। ये था असली शेर, बिल्कुल ईमानदारी से बताई ना कि पंजाब इंडिया में ही है, बोला कभी बात आई तो अगर पंजाब के हकों की बात आई, बोला फिर पंजाब के हकों की बात आई तो फिर पंजाब के साथ खड़े हैं, फिर पंजाब के साथ खड़े हैं, ये था असली शेर, लड़ने वाला, अड़ने वाला, खड़ने वाला, ये सिद्धू मूसे वाला नहीं गया, ये कलम चली गई पंजाब की, पंजाब की कलम चली गई, पता है तुम्हारे को, ये कलम चली गई पंजाब की, जुबान चली गई पंजाब की, दीप सिद्धू गया, गई जुबान वहीं से चली गई थी पंजाब की, पंजाब के अंदर कोई बोलने वाला बच्चा है क्या, बता दो मेरे को बोलने वाला बच्चा हो तो, बस लगे रहो
अभी तो मानसा का स्टेशन का नाम चेंज किया है, हिंदी अंग्रेजी में होया, देखना अभी तो क्या क्या हिंदी अंग्रेजी में होगा, देखते जाना क्या क्या होगा। इसलिए पहले बोल रहा था ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को, लेकिन ना अपना अब तुम बैठ के सोचना इस वीडियो के बारे में, तुम बैठ के जरूर सोचना कि ये कैसे हो गया, है ना, सोचना जरूर, तब तुम्हारी आंखों से ना पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा। ऐसे वीडियो बार बार नहीं बनते, लेकिन कोशिश करेंगे ऐसे ही बनाने की। तुम्हारे को तुम्हारी समझदारी जितनी छोटी ना, उस समझदारी छोटी को बड़ी अपने आप कर देंगे, हम कर देंगे धीरे धीरे, पूरी बड़ी कर देंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।